गुप्ता, और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। साजिश बहुत खतरनाक हो रही है, युद्ध की साजिश तो और भी बड़ी तबाही लाएगी, और यही डर इस वक्त ईरान और इजराइल को लेकर के है। अमेरिका कह रहा है कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन दूसरी तरफ उसने इजराइल को 100 करोड़ डॉलर के हथियार भेजने का वादा कर दिया है। जब से ये बात ईरान को पता लगी है, उसके तेवर और आक्रामक हो गए हैं। सवाल है कि अगर युद्ध हुआ तो क्या ईरान को इजराइल के साथ अमेरिका से भी लड़ना होगा? इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। नेतन्याहू को बाइडेन का फुल सपोर्ट। ईरान के खिलाफ अमेरिका का नया हथियार। तेल अवीव आ रहा है 100 करोड़ डॉलर का हथियार। अमेरिका अमन चाहता है या वार? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि ना तो दुनिया के नक्शे पर क्षेत्रफल के हिसाब से, ना आबादी के हिसाब से इजराइल ईरान के सामने टिकता है। यहां तक कि पुतिन और शी जिनपिंग के समर्थन के बाद ईरान इजराइल से ताकत में भी बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। फिर इजराइल के पास क्या है जिसके दम पर वो ईरान फतह करने की मंशा संजो रहा है? इसे समझने के लिए आपको अमेरिका की वो नई खेप देखनी होगी जिस पर बाइडेन ने मुहर लगा दी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन एक नए हथियार सौदे की शुरुआत पर विचार कर रहा है, जिसके तहत इजराइल को 100 करोड़ डॉलर से अधिक के हथियार बेचे जाएंगे। नया सौदा उस सहायता सौदे के अतिरिक्त है जिसमें इजराइल के लिए 26 अरब डॉलर का सौदा शामिल है, जिस पर वर्तमान में कांग्रेस में बहस चल रही है। इस सौदे में 700 मिलियन डॉलर के टैंक, गोला बारूद, 500 मिलियन डॉलर के सैन्य वाहन और 100 मिलियन डॉलर के मोर्टार राउंड शामिल है। He strongly supports this package. To reinforce Israel and Ukraine, and let's not forget the humanitarian aid that's needed for the Palestinian people in Haiti, in Sudan. This is important humanitarian aid. Let's not forget the security in Indo-Pacific. So this is what this package is going to do. The president strongly supports that. अमेरिका ने अभी दो दिन पहले ही ऐलान किया था कि इजराइल अगर ईरान के खिलाफ बदले की कार्रवाई करता है तो उसका साथ नहीं देगा। यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू को जो बाइडेन ने साफ लहजे में कहा था कि इजराइल को संयम बरतना होगा, और उसके बाद अमेरिका में इस बात की बहस चल रही है कि ऐसे हालात में इजराइल को मदद की दरकार है और उसे हथियार पहुँचाए जाने चाहिए। अमेरिका के इजराइल को इस शह की कीमत क्या होगी, इसे समझना बहुत जरूरी है। 1916 किलोमीटर ये तेल अवीब से तेहरान की दूरी है। 9437 किलोमीटर ये तेल अवीब से अमेरिका की दूरी है। 3686 किलोमीटर ये तेल अवीब से मॉस्को की दूरी है। ये दूरियां मैप पर दिखाने का अर्थ ये है कि ईरान इजराइल युद्ध भड़का तो उसकी जद में दुनिया का कितना प्रतिशत हिस्सा आएगा। यही नहीं, अमेरिका के अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इटली है, जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इन देशों के साथ रहते हुए कहा जा सकता है कि ईरान चाहे जितनी ताकत जुटा ले, इजराइल के खिलाफ उसके हमले नाकाम होने की पूरी संभावना होगी। लेकिन यहाँ इजराइल को मिल रही यूरोपीय देशों से मदद की चर्चा नहीं, चर्चा अमेरिका से मिल रही मदद की, जिसके दम पर इजराइल खड़ा है। ईरान से दो दो हाथ करने के लिए अभी ही नहीं, अमेरिका इजराइल का ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। अमेरिका ने बीते कुछ सालों में इजराइल को दुनिया की सबसे उन्नत मिलिट्री में से एक बनाने में पूरी मदद की है। अमेरिकी फंड की मदद से इजराइल अमेरिका से सैन्य साजो सामान की खरीद फरोख्त करता है। अमेरिका ज्यादा से ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल दे रहा है ताकि इजराइल को आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम की कमी ना पड़े। एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत लगभग 40,000 से $50,000 होती है।
इसराइल को अस्तित्व में लाने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही है। अरब देशों की थ्योरी जो कहती है कि हमारी जमीन पर यहूदियों ने देश खड़ा कर लिया जिसे कभी कबूल नहीं किया जा सकता, ये मूल बात है जो ईरान के साथ मुस्लिम देशों के खड़ा होने को प्रेरित करता है। इसराइल इन देशों का अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। इस तथ्य के बावजूद कि इसराइल के पास दुनिया के सबसे उन्नत हथियारों का जखीरा है, उसके पास दुनिया का सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम है, लिहाजा अमेरिका की छांव जरूरी हो जाती है। अमेरिका ने वर्ष 2022 में इसराइल को 4.8 अरब डॉलर की मदद दी थी और वर्ष 2023 में 3.8 अरब डॉलर की आर्थिक मदद दी। असल में अमेरिका हर वर्ष इसराइल को 3.8 अरब डॉलर की मदद करता है, जो इसराइल के कुल रक्षा बजट का लगभग 16% है। जाहिर तौर पर इस समय अमेरिका इसराइल के असाधारण सहयोगी के तौर पर काम कर रहा है। अमेरिका इसराइल को बिना शर्त वित्तीय, सैन्य और राजनीतिक मदद देता है। इसराइल एक अघोषित परमाणु ताकत है, लेकिन अमेरिकी संरक्षण की वजह से उसे कभी किसी जांच का सामना नहीं करना पड़ा है। ये तथ्य है कि अमेरिका सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग इसराइल को ही देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक इसराइल को 158 अरब डॉलर की अमेरिकी मदद मिल चुकी है। इसराइल अमेरिका का सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार भी है। दोनों के बीच हर वर्ष 50 अरब डॉलर का कारोबार होता है। इसराइल अमेरिका की मदद से एक बहुत बड़ा रक्षा उद्योग खड़ा कर चुका है। अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बेस की वजह से ही इसराइल आज दुनिया भर में हथियार और सैन्य साजो सामान का 10वां सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। 1972 के बाद से अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका इसराइल के खिलाफ लाए गए 50 से ज्यादा प्रस्तावों को गिरा चुका है। इसराइल को अमेरिकी मदद का स्केल क्या है, ये आपने देख लिया, लेकिन यहाँ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इसराइल से दोस्ती का अमेरिका को क्या फायदा मिलता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, ना कि मानवीय संवेदना। इसराइल को अमेरिकी मदद मिलने के कई कारण हैं, लेकिन यहाँ आपको वो चार प्रमुख कारण दिखाते हैं। पहला कारण, अमेरिका की नजर में अरब दुनिया की उथल पुथल भरी राजनीति में इसराइल की रणनीतिक अहमियत। दूसरा कारण, शीत युद्ध के कारण अमेरिका ने अरब जगत में सोवियत संघ के असर के खिलाफ इसराइल को एक अहम मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया। तीसरा कारण, शीत युद्ध के बाद अमेरिका पश्चिम एशिया में और ज्यादा सक्रिय हो गया और इसराइल, सऊदी अरब और मिस्र इसके सहयोगी बन गए। चौथा कारण, अमेरिका के इसराइल समर्थक नीति के लिए अमेरिकी लोगों की राय, वहां की चुनावी राजनीति और ताकतवर इसराइली लॉबी भी जिम्मेदार है। मतलब अमेरिका का मध्य पूर्व में वर्चस्व बना रहे, इसके लिए इसराइल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लिहाजा अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी हो, इसराइल के लिए उसकी नीतियां समान होती हैं। जो बाइडन जिस तरीके से इसराइल की मदद कर रहे हैं, ये उसी नीति का हिस्सा है। लेकिन सवाल सिर्फ अमेरिका से मिल रही इसराइल को मदद भर का नहीं है, सवाल है ईरान को किन किन देशों से मदद मिल रही है। ईरान और इसराइल की सीमाएं एक दूसरे से नहीं लगती हैं। ईरान के हमले के बाद लेबनान और इराक ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। सीरिया और जॉर्डन ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर और कुवैत दोनों ने अमेरिका को अपने हवाई अड्डों को इस्तेमाल करने से ये कहकर रोक दिया कि वो ईरान के खिलाफ संघर्ष में शामिल नहीं होना चाहते हैं। गैर मुस्लिम देशों में रूस, उत्तर कोरिया और चीन के ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। युद्ध सिर्फ हथियार और पैसे से नहीं लड़े जाते, लेकिन साथ ही अगर अमेरिका की तरह ताकतवर हो तो जीत की गारंटी भले न मिले, सुरक्षा का भरोसा तो होता ही है। इसराइल पलटकर ईरान को नहीं मारता तो विश्व बिरादरी में सिर्फ उसकी फजीहत नहीं होगी, बल्कि अमेरिका की भी हेठी मानी जाएगी। इधर ईरान के साथ मुसीबत में रूस जैसे देशों ने साथ नहीं दिया तो अमेरिका के खिलाफ वाले गुट की हार मानी जाएगी। जाहिर है युद्ध भड़काने में ये थ्योरी भी काम आ रही है, और यही कारण है कि इसराइल और ईरान दोनों उबल रहे हैं, एक बदले की आग में, दूसरा बदले के बाद आग को भड़काने से रोकने के लिए।
इसराइल को नए हथियार मिलने जा रहे हैं, लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू नए सवालों में घिरने लगे हैं। इसराइल में अब ये आवाज उठ रही है कि जो प्रधानमंत्री ईरान का एटम बम पूरी दुनिया को दिखा रहा था, वो अब ईरान पर किए गए हमले को लेकर के खामोश क्यों है। वैसे ईरान पर जवाबी स्ट्राइक को लेकर के पूरे इसराइल में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अप्रैल का महीना आग लेकर आया और मई से पहले बड़े युद्ध की दस्तक मिल रही है। ईरान से लेकर इजराइल हर ताकत इस आग को भड़का रही है। ईरान में हुए धमाकों पर इजरायली छाप बताई जा रही है, लेकिन नेतन्याहू की नीतियों को लेकर इजराइल के बड़े अखबार हारेत्स ने ये लेख छापा है। इस लेख की हेडलाइन में साफ साफ लिखा है कि ईरान पर खामोशी से किया गया हमला साबित करता है कि उनके पास कोई रणनीति नहीं है। नेतन्याहू की वर्ल्ड पॉलिटिक्स को हम कुछ वर्ष पीछे जाकर देखेंगे, जिसमें उन्होंने ईरान को कई जख्म दिए। फ्लैशबैक में हमें यह तस्वीर मिली, ये 2012 की है। तब नेतन्याहू ने बताया था कि ईरान एटम बम बनाने के कितने करीब है। यह दूसरी तस्वीर 2018 की है। संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू बता रहे हैं कि ईरान ने कहां कहां परमाणु अड्डे बनाए हैं। नेतन्याहू ने दुनिया का कोई मंच नहीं छोड़ा जहां उन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को एटम बम बनाने से नहीं जोड़ा। लेकिन इसराइल पर ईरान के हमले के बाद जब जवाब देने का मौका आया तो नेतन्याहू की सरपरस्ती में इसराइल फुस साबित हुआ। यही इल्जाम अब इसराइल की मीडिया अपने प्रधानमंत्री पर लगा रही है। यही बात इसराइल के अखबार हारेत्स के लेख में लिखी हुई है। इस लेख में छपा है कि नेतन्याहू के पास ईरान को लेकर कोई रणनीति नहीं है। इस लेख में छपा है कि गाजा में भी नेतन्याहू फेल हो गए। इसराइल का मीडिया छाप रहा है कि जिस नेतन्याहू ने ईरान का डर दिखाकर अपना करियर बनाया, वक्त पर वो फेल हो गए, वो ईरान से मुकाबला नहीं कर पाए। ऐसे में बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या यही है ईरान के खिलाफ नेतन्याहू का जीरो प्लान? क्या इसराइल को खा जाएगा ईरान? इस वक्त पूरा पश्चिम एशिया तनाव के चलते हुए तवे पर बैठा हुआ है। नीचे आग सुलग रही है। मिसाइलों के हमले और ड्रोन से इस बार ऐसी तबाही की गारंटी दी जा रही है कि तेल अवीव से लेकर तेहरान तक दहशत फैली हुई है। نحن اكيد بندين هذا الهجوم باشد اللهجات وبكل يعني بكل لهجات العالم طبعا يعني I think we have to wait and to see what will come. هالشيء كمان بياثر علينا اقتصاديا، بياثر علينا بنخسر ارواح بشريه كمان بيرجعنا سنين لورا. 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए हमास के हमले के 6 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इस वक्त नेतन्याहू और इसराइल एक दो नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर चुके हैं। उनके सामने अब बस युद्ध है और इसके सिवा कुछ नहीं। इस वक्त इसराइल के लिए 4H बहुत बड़ा खतरा बन चुके हैं। इन चारों एच के बारे में बहुत गौर से समझिएगा, क्योंकि इन चारों एच को ईरान का पूरा समर्थन है। एच से हमास, एच से हिजबुल्ला यानी लेबनान का मिलिशिया, एच से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी, एच से हूथी यानी यमन का विद्रोही गुट। हमास से शुरू हुई लड़ाई पहले हिजबुल्ला तक पहुंची
और अब हूथी से टक्कर के बाद इजराइल की मिसाइल इराक में भी गिरी है, यानी नेतन्याहू चौतरफा घिरते जा रहे हैं और इन सब में ईरान से टकराव उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इजराइल में लोग क्या सोच रहे हैं ये जानकर बेन्यामिन नेतन्याहू हैरान रह जाएंगे। We are very worried about the situation, and we actually don't know what the solution is. I hope it's going to be peace. I mean, nobody's going away from this area. We are all going to be here together, and I hope we'll find some kind of solution to the conflict. I hope it doesn't escalate to proportions that are, you know, very devastating and maybe worldly problems, but I do think that it has been a long time coming, this conflict. पूरी दुनिया ईरान और इजराइल की डायरेक्ट टक्कर देख रही है। इजराइल के शहर टारगेट पर हैं। गाजा में बमबारी के खिलाफ हिजबुल्ला और हूथी दोनों ने अपने हथियार गोदाम बंद नहीं किया है। कुल मिलाकर ईरान से दूर ही नेतन्याहू के लिए एक वॉर ट्रायंगल तैयार हो चुका है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में सबसे बड़ा कोना गाजा में हमास का पूरी तरह खात्मा है। नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल में दूसरा बड़ा कोना लेबनान में हिजबुल्ला का अंत है, जबकि नेतन्याहू के वॉर ट्रायंगल का तीसरा सबसे बड़ा कोना है सीरिया, जहां से इराक का मिलिशिया हश्द अल शाबी इजराइल के बॉर्डर तक पहुंच सकता है। ये तीनों जगह इजराइल के बॉर्डर से लगी हुई हैं और इजराइल इन्हें अपने खिलाफ सबसे बड़ा खतरा मानता है। लेकिन इस वॉर ट्रायंगल से निपटने के चक्कर में इजराइल ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली, जब 1 अप्रैल को उसकी वायुसेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर बमबारी कर दी। इसके बाद ठीक 13 दिन बाद ईरान ने इजराइल पर ऐसा हमला किया जिसे दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कहा गया। अमेरिका से लेकर फ्रांस और ब्रिटेन से लेकर जॉर्डन तक सबने इजराइल को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। ईरान के हमले में इजराइल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये बात पुख्ता हो गई कि अगर ईरान चाहेगा तो अगली बार 3000 मिसाइल से वार करके इजराइल को बंकर में जाने के लिए मजबूर कर देगा। इस वक्त ईरान और इजराइल दो कैंपों में बटे हुए हैं। इसे महाशक्तियों की टक्कर कहा जा रहा है। एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ रूस है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा खौफ भी है। И мы вот хотим подготовить конференцию, она Ирану приписывать хотят в том числе и атаку с использованием ядерного оружия, которого у него нет. Это подтверждает МАГАТЭ. Иран самая проверяемая страна из участников договора о нераспространении ядерного оружия. इजराइल के साथ बड़ी मुश्किल ये है कि जब व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से ईरान के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तब बाइडेन ने इजराइल से कह दिया है कि वो इजराइल की मदद बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी ईरान पर अटैक को लेकर बाइडेन पहले ही हाथ खड़े कर चुके हैं। और अब इजराइल के हमले को लेकर जो बातें दुनिया में चल रही है उसे भी व्हाइट हाउस की तरफ से बड़ा धक्का लगा है। We have been very, very clear from here, from the beginning, that we do not want to see this conflict escalate. We continue to consult with our allies and partners, including in the region, obviously, and to reduce further risk of escalation. इस वक्त दुनिया के तीन शहरों पर सबकी नजर है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस ने इजराइल के हमले से किनारा कर लिया है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में खामोशी है, सन्नाटा छाया हुआ है। किसी को जैसे पता ही नहीं चला कि इजराइल ने ईरान को जवाब भी दिया है कि नहीं। ईरान की राजधानी तेहरान में अब भी जश्न मनाया जा रहा है। 13 अप्रैल की रात को इजराइल पर हुए हमले से इजराइल को बड़ा झटका देने का लगातार दावा किया जा रहा है। ईरान ने इजराइल के नेवाती में एयरबेस को अपना सबसे बड़ा टारगेट बनाया। ईरान का दावा है कि उसकी 15 बड़ी मिसाइल नेवाती में एयरबेस पर गिरी हैं। ईरान का दावा है कि इजराइल को इस अड्डे पर भारी नुकसान हुआ है।
वहीं इजराइल का दावा है कि ईरान की तरफ से दागे गए बहुत कम ड्रोन और मिसाइल उसके एयरबेस में दाखिल हुए, यानी ईरान की तरफ से जो हमला हुआ उसमें कई मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस को चकमा देकर अपने टारगेट पर गिरी। इसकी तस्वीरें भी हैं जो बड़ा सबूत है, हालांकि नुकसान कितना हुआ इस पर बहस जारी है। इससे पहले इसराइल के F-35 जेट की बहुत बात हुई, इसराइल के स्टेल्थ पावर की बहुत चर्चा हुई, लेकिन इसराइल ने अब तक अपना ये सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल नहीं किया है। सवाल है कि क्या इसराइल कुछ बड़ा करने की सोच रहा है, क्योंकि इससे पहले ईरान के आसमान में जो कुछ हुआ उसे इसराइल का टेस्ट भी कहा जा रहा है, ताकि ईरान का रिएक्शन टाइम, उसका रिएक्शन का तरीका सब पता चल जाए और फिर उसके बाद असली हमले की शुरुआत की जाए। कुल मिलाकर ये युद्ध अब भी ऑन है, ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। और चलिए यार, रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। मिश्रा का छत्तीसगढ़ दौरा, आज रात 8:30 बजे पहुंचेंगे रायपुर। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देर रात तक चलेगा बैठकों का दौर। आज सतना के दौरे पर राहुल गांधी, चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। जीतू पटवारी, अरुण यादव, विवेक तनखा रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ केरल में आज बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज राजनांदगांव, बेलतरा, कोरबा में योगी आदित्यनाथ हुंकार भरेंगे। आज कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में अमित शाह चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सीएम नीतीश के साथ एनडीए उम्मीदवार दुलाल चंद्र गोस्वामी के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। आज दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की अहम बैठक, बिहार की 6 लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन होगा। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह के निधन पर पीएम मोदी, सीएम योगी और गृह मंत्री अमित शाह ने जताया दुख। पिछले कुछ दिनों से बीमार थे सर्वेश सिंह। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी और केंद्र सरकार पर करारा हमला, ममता बनर्जी का दावा, मोदी लोकसभा चुनाव जीते तो आगे नहीं होंगे चुनाव। महागठबंधन में फिर दिखाई दी खींचतान, प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल के मुख्यमंत्री पर बीजेपी का साथ देने का लगाया आरोप। इंडिया गठबंधन के बीच अब पीएम उम्मीदवार पर घमासान, संजय राउत ने उद्धव ठाकरे को महागठबंधन का पीएम उम्मीदवार बनाए जाने की मांग की। संजय, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। क्या इराक के अंदर इसराइल ने एक नया मोर्चा खोल दिया है? दावा किया जा रहा है कि मोसाद ने इराक के अंदर ईरान से जुड़े मिलिशिया के बेस को बड़ा हमला करके उड़ा दिया है। जिस मिसाइल का इस हमले में इस्तेमाल किया गया उसका इसराइल में कालाबाज कहा जाता है। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें इराक के बेबीलान प्रांत की हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। हमले में हथियारों का जखीरा नष्ट किया गया है, कई कमांडर और सैनिक यहाँ पर हताहत हुए हैं। जहाँ स्ट्राइक हुई वहाँ बहुत बड़ा और गहरा गड्ढा बन गया है। दावा ये किया जा रहा है कि इसराइल ने ईरान से भी बड़ा हमला इराक के बेबीलोन में किया है। जंग में इसराइल की शातिर चालों से आगे निकलना आसान नहीं है। पूरी दुनिया जब ईरान के हमले को लेकर चर्चा कर रही थी तो उस वक्त क्या इसराइल ने इराक के अंदर बेहद खौफनाक और खतरनाक हमला किया है, और वो भी इराक के किसी दूर दराज के शहर में नहीं बल्कि इराक की राजधानी बगदाद के बिल्कुल पास एक इमारत पर हमले के बाद बड़ा विस्फोट हुआ है, जिसमें एक सैन्य संगठन के कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। नोट करने वाली बात यह है कि ईरान के सरकारी टीवी की तरफ से दावा किया गया था कि इसराइल ने इस्फहान में 3 ड्रोन हमले किए हैं और इन तीनों ड्रोन को मार दिया गया है। ये भी दावा किया गया कि ईरान में इन हमलों से किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है, यहाँ तक कि किसी मिलिट्री बेस को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, क्योंकि इसराइल के ड्रोन ईरान की जमीन को छू भी नहीं सके। लेकिन इराक के बगदाद के अंदर जो हुआ उसकी तरफ दुनिया का ध्यान अब गया है। ईरानी मीडिया का दावा है कि यह हमला भी अमेरिका और इसराइल की तरफ से किया गया है।
लेकिन इराक के अंदर हुए इस हमले का सच क्या है? आखिर बगदाद की राजधानी के पास क्या हुआ? आखिर क्यों एक मीटिंग में हमला किया गया जिसमें ईरान के समर्थक कमांडर युद्ध की रणनीति बना रहे थे? जिन लोगों की इस हमले में मौत हुई और जो लोग हमले में घायल हुए, क्या वो ईरान की सरकार के खास अधिकारी थे? ये वो बड़े सवाल हैं जिन्होंने इस वक्त दुनिया को चौंका दिया है। सबसे बड़ी बात इजराइल की रणनीति को लेकर है, जो धमकी तो ईरान पर हमले की देता है लेकिन करारा हमला इराक के ऊपर कर देता है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इराक के अंदर हुआ क्या। इराक के सरकार के गृह मंत्रालय के सूत्रों और इराक की सेना के एक सैन्य अधिकारी के दावों पर कई इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शुक्रवार की रात को इराक के कैल्सो बेस पर एक हमला हुआ था, जहां पर ईरान के समर्थक एक सैनिक संगठन हशेद अल शाबी के अधिकारियों की बैठक चल रही थी। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इराक के गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि बगदाद के दक्षिण में एक इमारत पर हुए इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।